In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. Allah ke fazl se theek hoon aur umeed hai ki aap log bhi theek honge. Aaj main aapko correction of errors and sentences ka part 4 padhane ja raha hoon. Iske pehle parts mein pehle padha chuka hoon. 61 number pe incorrect sentence hai. I do not like this sorts of people. To yahan pe ye sorts galat hai ya sort hoga? करेक्ट क्या होगा? आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ पीपल. यहाँ पे अगर दीज लिखें तो भी सही हो जाएगा. दीज सॉर्ट ऑफ पीपल, इस किस्म के लोग मैं पसंद नहीं करता. 62 है, इनकरेक्ट है. मैनी पीपल्स अटेंडेड हिज पार्टी. ये पीपल्स जो है वो गलत है. पीपल, लोगों का जो प्लूरल है वो पीपल ही होता है, उसमें एस का इजाफा नहीं होगा. अगर कौमों का प्लूरल हो तो वो पीपल्स होता है, उसमें एस का इजाफा होता है. जैसे द पीपल्स ऑफ टू कंट्रीज़, यानी द नेशंस ऑफ टू कंट्रीज़. तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? मैनी पीपल अटेंडेड इस पार्टी, कई लोगों ने उसकी पार्टी में शिरकत की. 63 नंबर है, इनकरेक्ट है. शी डज नॉट लाइक्स हर नेबर्स. यहाँ पे डज भी हो गया और लाइक्स, एक ही क्लॉज में दो मरतबा इसका इजाफा या ये इसका नहीं होगा. यानी एक मरतबा ही होगा, जो पहले हो चुका है उसके बाद वाला इजाफा ख़त्म हो जाएगा. शी डज नॉट लाइक, करेक्ट होगा. शी डज नॉट लाइक हर नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों को पसंद नहीं करती. 64 है, इनकरेक्ट. शी डू लाइक हर पेरेंट्स. यहाँ पे एम्फेटिक है तो यहाँ पे भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये जो डू है उसमें ये इसका इजाफा होना चाहिए. करेक्ट होगा, शी डज लाइक हर पेरेंट्स, वो अपने वालदेन को पसंद तो करती है. एम्फेटिक हो गया. 65 नंबर है, ये इनकरेक्ट है. विल यू टेल मी हाउ वॉज इट डन. तो यहाँ पे विल यू टेल मी, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है, और हाउ वॉज इट डन फिर से क्वेश्चन हो गया है. तो इस वर्ब को हम इट से आगे धकेल देंगे तो ये सही हो जाएगा. करेक्ट क्या होगा? विल यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे हाउ इट वॉज डन, कि ये कैसे हुआ. तो ये क्वेश्चन मार्क तो आएगा, क्योंकि पहले जो है वो पहला क्लास क्वेश्चन पूछ रहा है. अगला क्लास जो है उसमें भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उसमें अफर्मेटिव होना चाहिए. ओके, नंबर 66 इनकरेक्ट है. नो सूनर आई गॉट देयर व्हेन द ट्रेन लेफ्ट. ये नो सुनर के बाद जो है एक और कंजंक्शन आना चाहिए, जो वैन नहीं होता लेकिन और कंजंक्शन होगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा. नो सुनर के बाद जो कंजंक्शन आता है वो दैन आता है, टी एच ए एन. तो करेक्ट होगा, नो सुनर डिड आई रीच द देयर दैन द ट्रेन लेफ्ट. इसका मतलब है जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो ट्रेन चली गई. इसको ऐसे ही, यानी सेंस वही है कि एज सून एज आई रीच्ड देयर द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं पहुंचा तो ट्रेन चली गई. ओके, उसके बाद है 67 नंबर, इनकरेक्ट है. देयर आर मैनी सॉर्ट ऑफ एनिमल स्पीशीज़. यहाँ पे एनिमल स्पीशीज़ ज़्यादा हैं तो इसमें सॉर्ट्स होगा. यहाँ पे कई किस्म की एनिमल स्पीशीज़ हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो एनिमल्स हैं. तो करेक्ट क्या होगा? देयर आर मैनी सॉर्ट्स ऑफ एनिमल स्पीशीज़. तो यहाँ पे मैनी सॉर्ट्स होगा, मैनी आ गया तो सॉर्ट्स, और ये स्पीशीज़ ज़्यादा हैं तो सॉर्ट्स होगा. 68 है, ये इनकरेक्ट है. ही क्रिएटेड मैनी ट्रबल्स फॉर अस. तो ट्रबल जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मच ट्रबल होगा या लॉट ऑफ ट्रबल होगा. करेक्ट क्या होगा? ही क्रिएटेड मच और अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस. उसने हमारे लिए बहुत उलझन खड़ी की. उसके बाद 69 नंबर है, ये इनकरेक्ट है. द फर्नीचर्स एट हिज हाउस आर वेरी एक्सपेंसिव. फर्नीचर जो है वो वैसे नॉन काउंट नाउन है, इसमें पीसेज ऑफ फर्नीचर होते हैं, तो हम फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे. द फर्नीचर एट हिज हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी ये सही हो जाएगा. अगर हम पीसेज ऑफ फर्नीचर की बात करें तो हम लिख सकते हैं द पीसेज ऑफ फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर को प्लूरल नहीं करेंगे, इसमें इसका इजाफा नहीं करेंगे. सो हम लिख सकते हैं द फर्नीचर एट हिज हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, द पीसेज ऑफ फर्नीचर एट हिज हाउस आर वेरी एक्सपेंसिव, वो भी सही हो जाएगा. 70 है, इनकरेक्ट है. कि डिस्ट्रीब्यूटेड आई ग्लासेस अमंग ब्लाइंड्स, ये गलत है. जो ब्लाइंड्स है तो इस तरह से हम कहेंगे ब्लाइंड, या तो ब्लाइंड पीपल होना चाहिए, या तो अगर क्लास ऑफ पीपल बता रहे हैं तो द ब्लाइंड होगा. इसी तरह से जैसे द चिल्ड्रन, जैसे द ओल्ड, जैसे द यंग, जैसे
द नीडी, इस तरह से करेक्ट क्या होगा, ही डिस्ट्रीब्यूटेड आई ग्लासेस अमंग द ब्लाइंड. तो द ब्लाइंड हो गया, इसका मतलब है इसमें वो अंधे आ गए. उसके बाद 71 है, इनकरेक्ट है, ही टेक्स ऑफ हिज फादर इन ऑल रिस्पेक्ट्स. तो यहाँ पे टेक्स ऑफ नहीं होगा, टेक्स आफ्टर होगा. टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी मुशाबे होना, यानी सूरत मिलना. उसकी सूरत अपने वालिद से मिलती है हर लिहाज से, इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, करेक्ट होगा, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर लिहाज से वो अपने वालिद जैसा है. हम कह सकते हैं ही रिजेंबल्स हिज फादर इन ऑल रिस्पेक्ट्स. 72 नंबर इनकरेक्ट है, ही स्पोक नथिंग फॉर ट्रूथ. यहाँ पे बट होगा, ही स्पोक नथिंग बट द ट्रूथ, फॉर द ट्रूथ नहीं होगा, क्योंकि ये बट जो है वो ओनली के लिए यूज़ हुआ है. ही स्पोक नथिंग बट द ट्रूथ, उसने सच के सिवा कुछ नहीं बोला. ही ओनली स्पोक द ट्रूथ, उसने फकत सच बोला, इसका मतलब ये है. 73 है, ये इनकरेक्ट है, प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन हिज एड्रेस. तो ऑन हिज एड्रेस नहीं होगा, टू हिज एड्रेस होगा. जब कोई चीज़ भेजी जाती है किसी एड्रेस पे तो टू होगा, प्लीज़ सेंड दिस लेटर टू हिज एड्रेस, ये सही हो जाएगा. 74 है, ये इनकरेक्ट है, ही लिव्स ऑन दिस एड्रेस. जब कोई रहता है किसी एड्रेस पे तो हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑन नहीं. करेक्ट होगा, ही लिव्स एट दिस एड्रेस, ये इस एड्रेस पे रहता है. 75 है, ये इनकरेक्ट है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर बट वंस. तो यहाँ पे नॉक्स ऑन द डोर नहीं होगा, नॉक्स एट द डोर होगा. ये एक प्रोवर्ब है, यानी इसका मतलब है कि मौका दस्तक देता है दरवाजे पे, लेकिन एक दफ़ा. उसके बाद करेक्ट है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. 76 है, इनकरेक्ट, आई ओनली बिलीव द वंस हु आर वाइज. मैं फ़कत उन लोगों में यकीन रखता हूँ जो अक्लमंद हैं, उन पे यकीन एतबार करता हूँ, यकीन करता हूँ जो अक्लमंद हैं. तो यहाँ पे ये वंस जो ये नहीं होगा, वंस ओ एन ई एस वाला होगा, यानी वो लोग. करेक्ट होगा, आई ओनली बिलीव द वंस, मैं फ़कत उन पे एतबार करता हूँ. वो लोग ये मखसूस बताए गए हैं, वो कौन है, हु आर वाइज, जो अक्लमंद है. तो ये वाला वंस होगा, ये नहीं. ऊपर वाला जो वंस है इसका मतलब होता है एक दफ़ा, लेकिन इसका मतलब है वंस यानी वो जो हैं, यानी मखसूस कोई लोग या मखसूस चीज़ें. लोगों के लिए वंस होगा, तो वो जो मखसूस लोग हैं. अच्छा, उसके बाद 77 है, इनकरेक्ट है, ही रैन एज फास्टली एज ही कुड. वो इतना तेज़ दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे फास्टली नहीं होगा. होगा एडवर्ब, लेकिन ये फास्टली एडवर्ब नहीं है. इस फास्ट एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है. तो ये करेक्ट होगा, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड. वो इतना तेज़ दौड़ा जितना दौड़ सकता था. तो यहाँ पे जो रैन वर्ब है उसी के साथ ये एडवर्ब लगा है, लेकिन एडवर्ब जो होगा वो फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता. और एडजेक्टिव भी यही है, लेकिन जब ये नाउन को क्वालिफाई करता है तो ये एडजेक्टिव होता है, और जब ये वर्ब के साथ लगता है तो ये एडवर्ब होता है. 78 है, इनकरेक्ट है, द रोज स्मेल स्वीटली. यहाँ पे रोज स्मेल स्वीटली गलत है, स्वीट होगा. द रोज करेक्ट होगा, द रोज स्मेल स्वीट, यानी गुलाब का फूल जो है वो अच्छी खुशबू वाला है. तो यहाँ पे क्योंकि वी स्मेल इट, हमें ये स्वीट लगता है. अगर हम स्वीटली लगाएंगे तो ये होगा द रोज स्मेल स्वीटली, जैसे फूल खुद जो है वो स्मेल कर रहा हो, मतलब वो सूंघ रहा हो कोई चीज़, लेकिन ये खुद महसूस कर रहा हो, लेकिन ये फूल नहीं महसूस कर रहा, इसे हमें हम महसूस कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे स्वीट लगाएंगे, वरना इसका मकसद चेंज हो जाएगा. तो ऐसे है जैसे हम कहते हैं ही लुक्स सैड, वो उदास नज़र आता है. तो हमें वो उदास नज़र आता है तो हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव सैड. लेकिन अगर हम लिखेंगे ही लुक्स सैडली, इसका मतलब है वो उदासी से देखता है, तो मतलब वो खुद देख रहा है. तो इसी तरह से अगर इसमें हम स्वीटली यूज़ करेंगे तो जैसे वो गुलाब का फूल महसूस कर रहा है, लेकिन फूल नहीं महसूस कर रहा, हम फूल को महसूस कर रहे हैं कि उसमें खुशबू है. तो ये होगा द रोज स्मेल स्वीट, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं. 79 है, इनकरेक्ट है, देयर इज़ नेसेसरी ऑफ रिविजन. यहाँ पे नेसेसरी जो है एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पे नाउन होना चाहिए, इसलिए ये गलत है. करेक्ट होगा, देयर इज़ नेसेसिटी ऑफ रिविजन, यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत है. नंबर 80,
इनकरेक्ट है, यू हैड बेटर गॉन होम नाउ। जब नाउ भी लगा हुआ है और ये स्ट्रक्चर हैड बेटर जो होता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। यू हैड बेटर गो नाउ, यू हैड बेटर गो होम नाउ, आपके लिए बेहतर है कि अभी घर चले जाओ। ऐसे भी हम कह सकते हैं यू बेटर गो होम नाउ, तो यू हैड बेटर गो होम नाउ, ये सही हो जाएगा, इसमें गॉन नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। यू हैड बेटर डू इट नाउ, तो यहाँ भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आई थिंक दीज सेंटेंसेज आर यूजफुल टू यू, इफ़ यू फाइंड देम यूजफुल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टू लेट मी नो अबाउट दिस एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।